नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 के यहां पर संभाग आपका जोधपुर, जोधपुर संभाग के अंदर जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो गई है उनके पद स्थापन का यहां पर पीडीएफ आई है। जो पूर्व पद स्थापन था और नवीन पद स्थापन है उसके बारे में ये पीडीएफ है। आपके स्कूलों का नाम डिटेल सब यहाँ लिखे हुए हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में चयनित अभ्यर्थियों का रीशफल, संभाग आवंटन फल स्वरूप जिन अभ्यर्थियों का संभाग परिवर्तन होने के उपरांत जोधपुर संभाग आवंटित हुआ है उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया से पद स्थापित किए जाने के संबंध में प्राप्त निर्देशों की पालना में रिक्त पद प्रदर्शित कर काउंसलिंग अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा रिक्त पद के विकल्प सहमति के आधार पर एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को शेष रिक्त प्रदान कर संलग्न आदेश सूची अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में नियम शर्तों निर्देशों के तहत पद स्थापित किया जाता है। ये डिटेल आप जरूर पढ़ लें, आपके बहुत काम की डिटेल है ये पूरी की पूरी। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप अपने बढ़ते हैं पीडीएफ की ओर। ये भी ध्यान रखें आप। देखिए, नवीन पद स्थापन स्थान पर आपकी दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अनिवार्य या आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण करना होगा। अब देखते हैं इसके अंदर, जिनका कल जोधपुर संभाग के अंदर हो गया है काउंसलिंग वाला प्रोसेस पूरा, उनकी पीडीएफ है ये। देखिए, जोधपुर वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय के, जैसे कि पहला रोल नंबर है, फिर मेरिट नंबर है, फिर नेम है, फिर उसके बाद फादर नेम है, फिर आपका करंट पोस्टिंग जो आप, जैसे ये पहले जो है खेराज राम, इनका पहले नागेरी में था, नागौर के अंदर डेट ऑफ बर्थ है, और अब इनका जो पोस्टिंग एरिया है वो क्या है, बाड़मेर है, बाय टू बाड़मेर। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप एक 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 करके देख सकते हैं जोधपुर संभाग के जितने भी हैं। ये संस्कृत विषय के लिए है, संस्कृत वालों को भी 31/7 तक पहुंचना है, आप देख सकते हैं। शायद संस्कृत के 73 कैंडिडेट्स थे, ये देखिए, जैसे पहला जयपुर से इनका बाड़मेर में हुआ है, अब पहला पोस्टिंग एरिया जयपुर था। वीडियो को पॉज करके आराम से अपना आप डिटेल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। संस्कृत का है ये जोधपुर के अंदर, जिनकी काउंसलिंग कल हो चुकी है। और अगर ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं एमपीएस कोचिंग क्लासेस का। अबाउट के अंदर यहाँ चैनल पे जब आप जाएंगे तो चैनल के अबाउट में वहाँ फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर विजिट करके चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगी पीडीएफ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें जितना हो सके, सभी ग्रुप्स के अंदर, सभी जगह। ये देखिए, संस्कृत के कैंडिडेट्स हैं, अब वीडियो को पॉज करके आराम से अपना नाम देख सकते हैं, यहाँ संस्कृत के कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये है आपके विज्ञान के, विज्ञान के अभ्यर्थी हैं। ये देखिए, ये विज्ञान परीक्षा भर्ती 2016, आप वीडियो को पॉज करके ये भी पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल जरूर पढ़ा करें आप। इनका भी कार्य ग्रहण जो है 31 जुलाई यानी इस 31 तारीख तक सुनिश्चित करना जरूरी है। सिर्फ 4 अभ्यर्थी हैं यहाँ पर इस साइंस के, पहले का जिला पोस्टिंग प्लेस और न्यू पोस्टिंग प्लेस यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।